आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। जैसे मैंने बताया था कि मेंडल ही कुड नॉट गॉट रिकॉग्निशन, राइट, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका कि जो फैक्टर कह रहा है कि फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स, तो ही कुड नॉट टेल कि वेयर फैक्टर्स आर प्रेजेंट। लेकिन थियोडर बोवेरी एंड वाल्टर सटर, इन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स हैं, और फैक्टर मीन्स आज के डेट में हम जिन्हें जीन्स कहते हैं, एंड ईच जीन हैज टू एलील्स, तो एलील्स और जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, और किसी भी जीन के जो दो एलील होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो जीन्स का बिहेवियर है और क्रोमोसोम का बिहेवियर है बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब आप देखिए, जैसे आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है पेज 82 पर, तो इसमें आप देखिए टेबल ए और बी, तो एक टेबल जो है वो क्रोमोसोम के लिए है, दूसरी जीन्स के लिए है। तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा, मतलब आप कोई सी भी टेबल जीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, कोई सी भी क्रोमोसोम के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अकर इन पेयर, तो क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और एलील्स भी पेयर में होते हैं, राइट। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो आप जानते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब गैमेट बनता है तो वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। इन द सेम मैनर जो एलील्स भी होते हैं देयर आल्सो, वो भी क्या हो जाते हैं, अनपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो इनहेरिटेंस होता है जीन्स के एलील्स का, डिफरेंट जीन्स के एलील्स का इनहेरिटेंस वो एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका भी इनहेरिटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ओके। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मीन्स आप कह सकते हैं, सो इट इज प्रूवन, क्या कह सकते हैं आप, तो इट मीन्स वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने ये प्रूव किया दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, एंड क्रेडिट गोज टू दीज साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, और जब क्रोमोसोम जाएंगे तो जीन्स भी जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ह्यूमन के अंदर अराउंड 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट, और जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पर अप्रोक्सीमेटली 3,000 जीन्स हैं, और सबसे कम जीन्स है क्रोमोसोम वाई पर, उस पर अराउंड 231 जीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जब क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होगा, जैसे आप ह्यूमन में देखें कि 23 क्रोमोसोम्स किससे आते हैं, मदर से 23 किससे आते हैं, फादर से, तो क्रोमोसोम पर ही जीन्स हैं, तो उनके जीन्स आ जाएंगे, इट मीन जीन्स के एलील्स आ जाएंगे, और वही एलील्स जो जीन्स के हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में, बच्चे के अंदर करेक्टर पैदा करेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा कि कोई डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, व्हाटएवर इट इज, यू आप जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन एक और साइंटिस्ट हुए रिसेंटली, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो जो थॉमस हंट मॉर्गन है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, उनको मॉडर्न जेनेटिक्स का हम फादर कहते हैं। हाँ, तो बेटा जो टीएच मॉर्गन है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आप जानते हैं मेंडल ने जो अपना स्टडी किया था, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो किए थे पाइजम सेटाइवम पर, स्वीट पी पर, बट टीएच मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए ये वो एक फ्रूट फ्लाई पर किए जिसका नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेंडल ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और आपको इसके कुछ रीजन दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, दे कुड बी ग्रोन
ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी कि जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है उसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, मतलब आप ग्लूकोज वगैरह दे दो, चीनी वगैरह दे दो खाने को, तो वो उसी पर ही ग्रो हो जाता है। आपको कोई उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने की कि उसको चाउमीन बर्गर खिलाना है, नो। सिंपल सिंथेटिक मीडियम दे दीजिए एक बैटरी डिश में, प्लेट में, तो वो उसी पे सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए एक एक पॉइंट के हाफ मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। आपको पता है मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी पर किया था, तो पी प्लांट को तैयार होने में 6 महीने लग जाते हैं कम से कम, मतलब रिजल्ट आने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम का लगेगा। लेकिन जो ये ड्रोसोफिला है इसका लाइफ साइकिल 2 वीक, मतलब 14 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब आपका रिजल्ट कितने दिन में आ गया, 2 हफ्ते के अंदर आ गया, ठीक है। तो फास्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड ए सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और एक बार की मीटिंग में रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लाइज पैदा होती थी। तो आप देखिए जितनी ज़्यादा प्रोजेनी पैदा होगी उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी जो रिजल्ट लिया जाता है, कॉन्क्लूजन निकाला जाता है, बहुत बड़े सैंपल पर लिया जाता है। आप एक चीज़ को देख कर कोई कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो हम एक बच्चे को देखकर ये नहीं कह सकते कि इस क्लास के ये क्लास बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है। आप देखते हैं हर क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं और कुछ डल भी होते हैं। जैसे आपके कुछ साथी 12th में नहीं आ सकते, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब फ्रूट फ्लाइज होती हैं वो सिंगल मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस करती हैं, तो आपको जो रिजल्ट आएगा, जो कॉन्क्लूजन आएगा, वो बहुत ही रिलायबल होगा, ठीक है। एंड आल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, और मेल और फीमेल में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल ड्रोसोफिला है और कौन सा फीमेल ड्रोसोफिला है। इसके अलावा इनमें बहुत सारे हेरिडेटरी वेरिएशन है कि जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया था पी प्लांट में, तो उसने 7 करेक्टर्स को स्टडी किया था, ठीक है, याद है तुम्हें? याद करो कौन कौन से करेक्टर थे। प्लांट की हाइट थी, फ्लावर की पोजीशन थी, पोड का कलर था, ठीक है, पोड फूली हुई है, पिचकी हुई है, सीड का सेप था, राउंड है, रिंकल है, सीड का कलर था येलो है, ग्रीन है, ठीक है, फ्लावर कहाँ से निकल रहा है, एक्सियल है या टर्मिनल है, तो 7 करेक्टर्स थे। इसी तरीके से इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्रॉस करा सकते हैं और अपना एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई TH मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और देखिए वो इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मिस्टर मॉर्गन ने, he is known as the father of modern genetics। हाँ तो बेटा देखिए एक नया टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन कि पेरेंट्स से अलग जो कॉम्बिनेशन बनते हैं दे आर नोन एज द रिकॉम्बिनेंट्स, ओके। अब लिंकेज क्या होता है, देखिए मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने किस पर किए थे, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई पर। तो उन्होंने कुछ जीन्स को स्टडी किया जो कि सेक्स लिंक्ड थी। तो देखिए जैसे मॉर्गन ने क्रॉस कराया अपनी बुक में, आप देख सकते हैं कि येलो बॉडी और वाइट आईड फीमेल, मतलब जिनकी बॉडी कैसी थी, येलो बॉडी थी और आईड कैसी थी, वाइट आईड फीमेल का क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई वाले मेल से। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम नॉर्मल क्रॉस कराया था हमने पी प्लांट में, तो F2 जनरेशन में क्या रेशो आई थी, 9:3:1। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेशो था 9:3:3:1 से काफ़ी ज़्यादा डेविएशन हुआ, राइट। तो ही वाज शॉक्ड। और उन्होंने क्या देखा, देखिए उन्होंने एक नया टर्म दिया, जैसे आपने बुक में देखिए कि ये
पेज 84 पे ये फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसमें वाई डब्ल्यू जीन्स है और यहाँ भी ये वाई डब्ल्यू प्लस, ये ध्यान रखना, ये येलो वाइट है, ये वाई टाइप है, ठीक है, इनका क्रॉस कराया तो ये एफ वन जनरेशन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ टू जनरेशन में जैसे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 98.7% आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ रहे हैं 1.3%। दूसरा क्रॉस देखिए, क्रॉस बी, ये डब्ल्यू और एम जीन है, तो यहाँ पर क्या देखा गया है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 62.8% आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ रहे हैं 37.2%। तो इसका रीज़न क्या हुआ, तो एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ वाई और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ डब्ल्यू और एम के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कॉन्क्लूज़न निकाला गया कि अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, कम बनेंगे, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो वाई और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3% है, और डब्ल्यू और एम के बीच में भी लिंकेज तो है लेकिन फिर भी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट कितने बन गए, 37.2%, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मॉर्गन ने एक फिनोमिना दिया लिंकेज, कि भाई कुछ केस में, मतलब जैसे नॉर्मल हम ये मान के चले कि रिकॉम्बिनेंट्स 50% बनने चाहिए, ठीक है, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कितना होना चाहिए, 50%। तो अगर रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर 50% से कम है तो वो लिंकेज है, ठीक है। लिंकेज का मतलब ये हुआ कि जो जीन्स का इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, कि जो थर्ड लॉ था मेंडल का, राइट, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसा नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स क्या बन रहे, कम। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि जब जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है, जैसे वाई और डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस क्या था, कम था, तो रिकॉम्बिनेंट बहुत क्लोज थी जीन्स, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने, केवल 1.3%। लेकिन दूसरा जो केस था डब्ल्यू और एम जीन का, वहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट्स कम तो बने, लेसर देन 50%, लेकिन फिर भी डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लिंकेज होता क्या है। तो लिंकेज का मतलब ये है कि दिस इज अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, अगेन अंडरस्टैंड, दिस इज अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि सेम क्रोमोसोम पर दो जीन है तो उनके बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको हम लिंकेज कहते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है भाई साहब, ये क्रोमोसोम, अब ये देखिए यहाँ पर एक हमने जीन ले ली ए और एक जीन ले ली ये बी और ये एक जीन है सी। तो आप ही सोचिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनके बीच में लिंकेज क्या हो गया, बहुत ही स्ट्रांग हो गया, राइट। और अगर हम ए और सी का देखें तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो गया, लिंकेज वीक हो गया, राइट। तो लिंकेज स्ट्रांग होगा मतलब जीन्स पास पास होंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, कम बनेंगे, ठीक है, और अगर जीन्स दूर दूर होंगे तो लिंकेज क्या हो गया, वीक हो गया, और रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनेंगे, ज्यादा। इसका मीनिंग सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात। दूसरी बात, अब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं, इसका मीनिंग उनके बीच में लिंकेज क्या हो गया, वीक है। तो लिंकेज का ये फॉर्मूला हो गया कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, कि
दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा, लिंकेज उतना वीक, ठीक है, और डिस्टेंस इतना कम, लिंकेज उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप तो समझते हैं ना, जैसे दो दोस्त जो बहुत पास पास रहते हैं उन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। लेकिन जो दूर दूर रहते हैं, जितना डिस्टेंस होता है उनको अलग अलग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इजीली अलग किया सकता है। सेम थिंग इसी तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जितने ज्यादा बन रहे हैं समझ लीजिए लिंकेज उतना वीक है, रिकॉम्बिनेंट जितने कम बन रहे हैं लिंकेज उतना स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट इज क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर ये रिकॉम्बिनेंट्स बनते क्यों हैं? तो बेटा सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्या? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर आपने 11th क्लास में मियोसिस सेल डिवीजन मैंने पढ़ाया था, रिडक्शन सेल डिवीजन, ठीक है। तो आपको पता है रिडक्शन सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उसमें मैंने आपको स्टेज बताई थी, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैक्टेन, डिप्लोटेन, डाइगाइनेसिस। तो उस टाइम क्या हो रहा है कि जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो उस टाइम, जैसे मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं उन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, जैसे ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, तो ये कहलाएगा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके बेटा। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो देखिए मैंने शो किया है, एक क्रोमोसोम ये है हमारा ब्लैक वाला और एक क्रोमोसोम ये है ब्लू वाला। आप कह रहे हैं कि आपने दो दो, देखिए एक क्रोमोसोम में ये दो क्या है, ये इसके क्रोमेटिड है। क्या है ये? क्रोमेटिड। तो होता क्या है, जब ये दोनों क्रोमोसोम अनपेयर हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो उस टाइम इनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में एंटेंगल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एंटेंगल। और जब एंटेंगल हो जाएंगे तो ये ब्लैक वाले का कुछ पोर्शन ब्लू में आ जाता है, ठीक। ब्लैक वाले का कुछ पोर्शन क्या आ गया? ब्लू में आ गया। और ब्लू वाले का कुछ पोर्शन किस में आ गया? ब्लैक में आ गया। तो इन्होंने एक तरीके से अपने जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, उनको एक्सचेंज कर लिया। तो इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, राइट। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फिर से समझिए। अब मान लीजिए दो एलील, दो जीन्स हैं, एक जीन यहाँ पर है ए, एक बी ये है, और एक यहाँ पर क्या है सी। तो आप सोचिए ए और बी बहुत क्लोज हैं, तो अगर मान लीजिए क्रोमोसोम टूटा भी, क्रोमेटिन टूटा भी, तो ए और बी के अलग होने के चांस मतलब बहुत रेयर है कि इनके बीच में ही टूटे। लेकिन ए और सी में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कभी भी अगर मान लीजिए क्रोमेटिन टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, मतलब जब भी टूटेगा ए और सी तो अलग हो ही जाएंगे। तो वही बात मैंने बताई थी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन्स के बीच में, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे और लिंकेज क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और डिस्टेंस कम होगा तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे और लिंकेज क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। आप ध्यान से पढ़िए एक एक टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है और हर साल ही लगभग आता है। ओके बाय।